तहसील सदर में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर 48 घंटे के लिए हॉटस्पॉट बनाया गया, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि तहसील सदर को 48 घंटे के लिए हॉटस्पॉट बनाया गया है और इस 48 घंटों में तहसील की साफ सफाई सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। हॉटस्पॉट एरिया में शासन की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करवाया जा रहा है। तहसील में 2 दिनों के लिए सभी व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, अंदर के ऑफिस तो सारे होंगे ना। आ गए कोई बात नहीं, तू चले जाओ अंदर तक, जाओ अंदर तक, ताकि अंदर लेके जाओ, जा दोनों दूर दूर जल्दी जल्दी मार दो, जाने जाता नहीं करा दो जी देख रहे हैं आप, सारा सैनिटाइजेशन हो रहा है पूरा, सारे ऑफिसेज और साफ़ सफाई नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं यहीं पे, सबकी टीम लगी हुई है पूरी सुरक्षा के लिए। हम लोग पूरे कैंपस को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ये डेली होगा 2 दिन 48 घंटे के लिए। नहीं, जो भी गाइडलाइन हॉटस्पॉट के लिए है वो सारा फॉलो होगा, यहाँ पे किसी का आना जाना प्रतिबंधित है सारा।